हम लोगों ने तो इस पर आपत्ति नहीं किया था और ना आज कर रहे हैं, और सिर्फ नाम से इतना घबराहट है। और आगे जब यह अभियान चलेगा उनको सत्ता से बेदखल करने का, तब उनको अंजाम पता है, आज भी उनको पता है अंजाम कि हमारा क्या होने वाला है। वो सत्ता से पूरी तरह बेदखल होने वाले हैं और इसी बौखलाहट में डर से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा नाम पूरा दुरुस्त है और हम इस नाम के सहारे लोगों तक पहुंच बनाने में जल्दी से सफल होंगे। जो राष्ट्रीय स्तर का पहचान है, लालू प्रसाद जी हैं, ममता बनर्जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, ऐसे अनेकों हमारे पास नेता हैं हमारे विपक्षी के बीच में जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि यदि भाजपा ने अपने गठबंधन का नाम NDA रखा है और अगर हम लोग इंडिया रख लिए तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। ये बताता है जिस लेवल के ये लोग बयान दे रहे हैं, इससे तो साफ जाहिर होता है कि इंडिया नाम रख लेने से इन लोगों में बेचैनी उत्पन्न हो गई है और बेचैनी के वजह से ये लोग उलूल जुलूल जो है बातें कर रहे हैं। आइए सुनते हैं मदन सहनी ने क्या कुछ कहा है। वो आगे रहेगा और इंडिया को जल्दी तोड़ेगा। विपक्षी जो एकजुट हुए हैं इस बौखलाहट में इस तरह का वो सवाल उठा रहे हैं और फिर हम अपना विपक्षी का क्या नाम रखेंगे ये तो हम लोग तय करेंगे ना। हमारे नाम को वो तय करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने जब NDA रखा तो हम लोगों ने तो इस पर आपत्ति नहीं किया था और ना आज कर रहे हैं, और सिर्फ नाम से इतना घबराहट है। और आगे जब यह अभियान चलेगा उनको सत्ता से बेदखल करने का, तब उनको अंजाम पता है, आज भी उनको पता है अंजाम कि हमारा क्या होने वाला है। वो सत्ता से पूरी तरह बेदखल होने वाले हैं और इसी बौखलाहट में डर से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा नाम पूरा दुरुस्त है और हम इस नाम के सहारे लोगों तक पहुंच बनाने में जल्दी से सफल होंगे। कहा जा रहा है कि चेहरे जो है अनेक हैं और सभी चेहरे पर कई मुखौटा है। एक बात आप समझ लीजिए, हमारे पास जितने नेता हैं वो अपने आप में बड़ा उपलब्धि है, और उनका जो 38 दल का जो हम लोग देख रहे हैं उनका अगर एक लोकसभा के लायक भी नेता नहीं है, और हमारे पास आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर का पहचान है, लालू प्रसाद जी हैं, ममता बनर्जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, ऐसे अनेकों हमारे पास नेता हैं हमारे विपक्षी के बीच में जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान है, और उनके साथ जो लोग हैं वो हम लोग कहेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। ब्लॉक स्तर से ज़्यादा का नेता नहीं है, अकेले अगर वो लोग लड़ेंगे जो लोग गठबंधन कर रहे हैं उनका एक लोकसभा में भी उनका पहचान नहीं है। वैसे लोगों को उन्होंने बुला करके संख्या तो बढ़ा दिया, लेकिन उस संख्या में कोई बल नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, और इसी कारण से इतना घबराए हुए हैं। दूसरा कारण कहाँ? तो आपने सुना कि किस तरीके से मदन सहनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोग NDA का नाम रखे हैं अपना गठबंधन का, तो हम लोग इंडिया रख लिए हैं, लेकिन इन लोगों को क्यों घबराहट हो रही है जब हमें NDA रखने पर नहीं घबराहट हुई। तो ये लोगों को बौखलाहट ही ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में इन लोगों को किस प्रकार से पराजय का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 26 दल हैं लेकिन 26ों दल में सभी बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी एक ऐसा बड़ा चेहरा जो है वो बता दीजिए। इन लोग के पास एक ऐसे भी लोग हैं जो एक सांसद बनने लायक भी नहीं है, फिर भी वो लोग पार्टी चला रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष पटना।